सीनियर शू शेफ होते हैं, वो हमारे को पूरा फुली गाइड करते हैं कि हमारे को कहाँ पे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है, कहाँ पे हमारा कैफेटेरिया है, कहाँ पे हमारा लॉन्ज है, हर टाइप से। तो वो हमारे को जैसे ड्रेस की बात है यूनिफॉर्म की, तो वो हाउसकीपिंग के वहाँ पे हमारे को रिकमेंड कर देते हैं। तो हाउसकीपिंग में जैसे कि टेलर होता है, टेलर सबसे पहले हमारी यूनिफॉर्म का साइज़ लेता है, साइज़ लेने बाद में पैंट का, शर्ट का, एप्रन का, पूरा एक हमारा साइज़ लेने बाद में हमारे को एक डेजिकेटेड यूनिफॉर्म प्रोवाइड करा देता है, प्लस 6 पेयर ऑफ यूनिफॉर्म देते हैं जो कि हमारे को पर डे चेंज करना होता है, और एक यूनिक कोड दिया जाता है कि जैसे कि मेरे को 12 नंबर का यूनिफॉर्म मिला तो मेरे को 12 नंबर ही यूनिफॉर्म काउंटर पे देना है और 12 नंबर ही यूनिफॉर्म क्लीन अपना लेना है। तो ये यूनिफॉर्म हम रोज लेने जाते हैं कि क्या कैसे रहता है? ये आपको 6 का पेयर मिलता है, आप चाहें तो इसको 2 डेज में भी अपना एक्सचेंज करा सकते हैं, पर डेली आपको नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म अपना, मतलब किचन में तो आपको नीट एंड क्लीन पहनना ही है, बट लॉन्ड्री में आपको हर 2 दिन के बाद आप जाके चेंज कर सकते हैं। तो 6 पेयर का मतलब क्या होगा, 6 कोट, 6 पैंट, 6 पैंट एंड 6 एप्रन, 6 एप्रन और स्कार्फ वगैरह, 6 स्कार्फ। और जो नेम बैच मिलता है, नेम बैच मिलते हैं हमारे को दो नेम बैच मिलते हैं, 1 इज पिन वाला और 2 इज मैग्नेटिक। मैग्नेटिक आप तो अपने जो घर के कपड़े होते हैं, जैसे आपका ड्यूटी फिनिश हो गया उसके बाद अपने आप कैजुअल यूनिफॉर्म में रहते हैं, तो मैग्नेटिक आप उसमें यूज़ करते हैं।